गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 में रोले प्रमेय देखेंगे। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट पॉइंट है अपना रोले प्रमेय। तो इसमें अपन रोले प्रमेय करेंगे और रोले प्रमेय के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो रोले प्रमेय होता क्या है? रोले प्रमेय होता है यदि कोई फलन अपने को f वास्तविक फलन दे रखा है। पहले समझा देती हूँ फिर लिख के बता देती हूँ। कोई फलन f दे रखा है और वो फलन f कैसा है? वास्तविक फलन है। तो ये रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा। कोई फलन f जो दे रखा है और वो फलन f वास्तविक फलन है तो ये रोले प्रमेय को कब सत्यापित करेगा? तो इसके लिए तीन कंडीशन होगी। तो ये फलन संवर्त अंतराल a, b में, संवर्त अंतराल a, b में तो कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। संवर्त अंतराल किसे बोलते हैं? बंद ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? संवर्त अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवेल। तो इस क्लोज्ड इंटरवेल में तो क्या होना चाहिए? ये संतत होना चाहिए। यानी फलन का अपन ग्राफ बनाए तो फलन का ग्राफ कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए। तो a, b संवर्त अंतराल जिसमें ए बी शामिल होता है और बी भी शामिल होता है उसमें तो कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या चेक आउट करेंगे अपन? कि विवर्त अंतराल a, b में यानी ओपन इंटरवेल a, b में क्या होना चाहिए? फलन अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलन अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? अगर फलन संवर्त अंतराल में सतत है, विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, तो तीसरी कंडीशन होगी कि फलन का बिंदु ए पर और बिंदु बी पर मान जो है वो इक्वल आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर सत्यापित करती है तो क्या होगा? विवर्त अंतराल a, b में एक बिंदु सी इस प्रकार विलोम करेगा। तीनों कंडीशन फॉलो करने के बाद में क्या विवर्त अंतराल a, b में कोई बिंदु सी इस प्रकार विलोम करेगा कि f डैश c इक्वल टू जीरो। यानी अपने वास्तविक फलन का अवकलन करके उसमें c पुट करेंगे तो क्या देगा? जीरो देना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे कि ये रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। c के किस मान के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करता है? और ये c कहाँ आएगा? विवर्त अंतराल a, b में आना चाहिए। तो संतत शेयर करने के लिए अपन क्या करेंगे? संतत शेयर करने के लिए अपन करेंगे दाई सीमा बराबर बाई सीमा। किसके इक्वल आना चाहिए? दाई सीमा बाई सीमा आपस में इक्वल होनी चाहिए और साथ में क्यों इक्वल होना चाहिए? फलन का मान। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अपन क्या बोल देंगे कि अपना जो फलन देर का है वो कैसा है? संतत फलन है। और प्रत्येक बहुपदी फलन होते हैं वो क्या होते हैं? संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। और विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय चेक आउट करने के लिए क्या करेंगे? अवकलनीय करने के लिए करेंगे कि दायां अवकलज किसके इक्वल आ जाना चाहिए? बाएं अवकलज के इक्वल आ जाना चाहिए। यानी दायां अवकलज और बायां अवकलज अगर इक्वल है तो अपन क्या बोलेंगे कि विवर्त अंतराल a, b में फलन अवकलनीय है। तो रोले प्रमेय समझ में आ गई क्या है? अगर कोई f वास्तविक फलन अपने को दे रखा है तो वो इंटरवेल a, b में, कौन सा इंटरवेल? क्लोज इंटरवेल या संवर्त इंटरवेल a, b में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। और विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन का a बिंदु a और बिंदु b पर मान इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी अपन क्या बोलेंगे कि कोई बिंदु सी विवर्त अंतराल ab में इस प्रकार विद्यमान होगा कि अपने फलन का अवकलन करके उस बिंदु को पुट करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और वो रोले प्रमेय को सी के उस मान के लिए सत्यापित करेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो अपन क्या बोलेंगे कि जो देर का फलन है वो रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता है। संतत आ गया, अवकलनीय आ गया और f a, b नहीं आया तो क्या बोलेंगे कि वो रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा अपना फलन। और अगर संतत नहीं आया, अवकलनीय आ गया और f a, b आ गया तो भी क्या बोलेंगे कि रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो रोले प्रमेय से स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है रोले प्रमेय का स्टेटमेंट? यदि कोई f वास्तविक फलन ही देते हुए f कैसा हो? वास्तविक फलन हो। जो f वास्तविक फलन कैसा होना चाहिए?
जो समवर्त अंतराल ए कोमा बी में, जो समवर्त अंतराल ए कोमा बी में निम्न कंडीशंस को फॉलो करे, यानी इस प्रकार से परिभाषित होगा, ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? समवर्त अंतराल। फर्स्ट कंडीशन अपन फॉलो कराएंगे समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल मतलब क्लोज इंटरवेल, बंद अंतराल, समवर्त अंतराल या क्लोज्ड इंटरवेल, क्लोज्ड इंटरवेल ए कोमा बी में सतत हो। क्लोज इंटरवेल ए कोमा बी में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या फॉलो कराएंगे? सेकंड कंडीशन कराएंगे कि विवर्त अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय होना चाहिए। तो विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल कौन सा होता है? ओपन इंटरवेल। तो विवर्त अंतराल ओपन इंटरवेल ए कोमा बी में अवकलनीय हो। अगर एक भी कंडीशन फॉलो ना हो तो अपन बोलेंगे कि रोले प्रमेय को स्थापित नहीं करता। थर्ड कंडीशन क्या लगाएंगे? थर्ड कंडीशन होगी विवर्त अंतराल, सॉरी समवर्त अंतराल ए कोमा बी पर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए और बी का पुट कर सकते हैं। जब अंतराल कैसा ले अपन? समवर्त ले। विवर्त में तो क्या ए और बी शामिल है ही नहीं, तो समवर्त अंतराल ए कोमा बी में अपन क्या देंगे? एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फॉलो करे तब क्या होगा? तब एक एलिमेंट सी इस प्रकार विद्यमान होगा। सी कहाँ विद्यमान होगा? सी ओपन इंटरवेल ए कोमा बी में, यानी विवर्त अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि अपने फलन का अवकलन करके उसमें सी पुट करें तो वो क्या देना चाहिए? इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। यानी जो वास्तविक अंतराल देता है विवर्त अपने को, उसमें कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार की विद्यमान होगी कि अपने वास्तविक फलन का अवकलन करके उसमें पुट करें तो फलन का अवकलन जो प्राप्त होगा वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने रोले प्रमेय सत्यापित है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए वो तीनों कंडीशन फॉलो करानी है। पहला फलन क्या देता है अपने को? पहला फलन देता है एफ एक्स बराबर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे दिया गया फलन क्या फलन देता है? एफ एक्स बराबर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक आउट करनी है अपने को? फर्स्ट कंडीशन चेक आउट करनी है कि जो अपना फलन देता है वो संतत है या नहीं है। तो जो फलन दे रखा है वो कैसा है? बहुपदी फलन है। और अपन जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन क्या होता है? संतत होता है। तो क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि फलन एफ एक्स बराबर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू माइनस टू कोमा टू में संतत है। इसी में संतत चेक करना था अपने को। सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए, अवकलनीय चेक करने के लिए क्या करते हैं? अपने जो फलन देर का है उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू देर का रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट का क्या होता है? वन अपॉन टू रूट। तो वन अपॉन टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फोर का तो क्या हो जाएगा? जीरो। और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस का टू, एक्स टू से टू कैंसिल आउट, क्या आया? माइनस एक्स अपॉन रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या देखना है अपने को? कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए? फलन का जो अवकलन करने पर जो वैल्यू आए वो क्या परिमित होनी चाहिए। तो परिमित करने के लिए क्या करते हैं? अब कौन से अंतराल में देखना है अपने को? माइनस दो कोमा दो में देखना है। माइनस दो कोमा दो वो भी कौन सा है? विवर्त है। अगर समवर्त अंतराल हो जाता माइनस दो कोमा दो, यानी दो माइनस दो भी शामिल हो जाता और प्लस का दो भी शामिल हो जाता, तब तो क्या बनता? अगर माइनस दो पुट करते तो माइनस माइनस प्लस बट्टा फोर माइनस माइनस दो का स्क्वायर फोर, और क्या बन जाता? दो बट्टा जीरो, जो क्या है? परिमित नहीं है। तो परिमित नहीं है तो अपन क्या कह देते कि अवकलनीय
नहीं है, लेकिन अपने को अंतराल कहाँ ले कौन सा लेना है, ओपन इंटरवल लेना है, विवर्त अंतराल लेना है, और विवर्त अंतराल में जो संख्या लिखी हुई दिखाई देती है ना वो शामिल नहीं होती, यानी माइनस दो और प्लस दो शामिल नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे कि ये विवर्त अंतराल माइनस दो कोमा दो में कैसा है, अवकलनीय भी है। तो लिखेंगे विवर्त अंतराल माइनस दो कोमा दो में फलन अवकलनीय है। दो कंडीशन सेटिस्फाई करा दी बने। तीसरी कंडीशन अपने को क्या सेटिस्फाई कराना है, एफ ए बराबर एफ बी, यानी एफ ए बराबर एफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ओ माइनस दो और एफ ओ प्लस टू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थर्ड कंडीशन में अपन करेंगे एफ माइनस टू, यानी जहां पर अक्ष देता है उसकी जगह क्या पुट करना है अपने को, माइनस का टू पुट करना है। तो पहले अपन फलन लिख लेते हैं, अपना फलन क्या है, एफ एक्स बराबर देता है रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, रूट फोर माइनस टू का स्क्वायर। एक्स का मान क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर। तो एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू रूट फोर माइनस फोर, यानी कि जीरो। तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब किस पर चेकआउट करना है अपने को, टू पर। तो एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर, यानी एफ ऑफ टू इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, जीरो। और क्या देखा था अपने, थर्ड कंडीशन क्या आनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए, यानी एफ ऑफ माइनस टू इक्वल किस क्या आ रहा है, एफ ऑफ टू क्या इक्वल आ रहा है। तो अपन बोल देंगे क्या कि ये थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर दी इसने। तो एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ टू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो जीरो सेम आ रही है। तो रोले में के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब सी, तब क्या लिखते हैं अपन, तब एफ ऑफ डेस सी इक्वल टू जीरो निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो एफ ऑफ डेस सी इक्वल टू जीरो निकालते हैं, यानी जो अपन ने एफ डेस एक्स निकाला था वो क्या आया था, एफ डेस एक्स इक्वल टू आ गया था माइनस एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही था। इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है अपने को, जीरो पुट करना है। तो एफ डेस सी, सॉरी सी पुट करना है, एफ डेस सी, यानी इसमें सी पुट करें और वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो के इक्वल। एफ डेस सी इक्वल माइनस सी अपॉन रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए। इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन सी की, तो माइनस सी अपॉन जो रूट में फोर माइनस सी स्क्वायर था वो कहां से ला गया, जीरो में, माइनस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि सी इक्वल टू जीरो। और जीरो कहां पर बिलोंग कर रहा है, जीरो अपने समवर्त अंतराल माइनस टू कोमा प्लस टू में बिलोंग कर रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अपना फलन देर का है वो विवर्त में आना चाहिए, तो विवर्त में माइनस टू कोमा प्लस टू में बिलोंग कर रहा है। तो अपन बोलेंगे कि अपना जो फलन देर का है, फलन एफ एक्स बराबर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर क्या करता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कोमा टू पर रोले प्रमेय को सत्यापित करता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कोमा टू में रोले प्रमेय को सत्यापित करता है, रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। और यही करना था अपने को, रोले प्रमेय को सत्यापित ही करना था, यानी कि अपना जो क्वेश्चन पूछा था वो प्रूव्ड हो चुका है, अपने प्रूव कर दिया कि रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। तो रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए क्या करना है, तीनों कंडीशन चेक आउट करनी है, और तीनों कंडीशन चेक आउट करने के बाद में तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो अपन कह देंगे कि रोले प्रमेय इसमें लागू हो सकती है, और रोले प्रमेय लागू हो सकती है, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। इसका मतलब एफ डेस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो, और जो सी है वो कहां विद्यमान होना चाहिए, अपने विवर्त अंतराल में विद्यमान होना चाहिए। तो जो वैल्यू सी की विवर्त अंतराल में विद्यमान होगी वो लेंगे, और जो विवर्त अंतराल में नहीं होगी उस पर वो वैल्यू नहीं आएगी। तो अगले एग्जाम्पल में ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आ जाएगा कि विवर्त अंतराल में, विवर्त अंतराल में दिखाना देखने सेकंड क्या देर का, सेकंड फलन देर का है एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स, और एक्स कहां से कहा है, जीरो से पाई में बिलोंग कर रहा है। तो क्या करना है, वो रोले प्रमेय सत्यापित करनी है, रोले प्रमेय सत्यापित करने के वो तीनों कंडीशन
प्रतिबंध तीनों प्रतिबंध को संतुष्ट करा देंगे और प्रतिबंध संतुष्ट करा के रख दे सी से सी की वैल्यू निकाल कर बता देंगे। तो क्या देर कार ने वो दिया गया फलन है, क्या दिया गया फलन है, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू देर का है ई की पावर एक्स साइन एक्स और साथ में प्रतिबंध क्या देर का है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई यानी एक्स जीरो से पाई में अपने बिलोंग करा कर देखना है। तो सबसे पहले क्या चेक करनी है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रतिबंध अपना है कि फलन संतत है या नहीं है। तो फलन संतत करने के लिए जाई सीमा और बाई सीमा इक्वल होना चाहिए या फिर ग्राफ कहीं पर टूटना नहीं चाहिए। तो e की पावर x का फलन भी सतत जाता है और sin x का फलन भी सतत जाता है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा सतत होगा। तो क्या लिखेंगे फलन f of x equal to e की पावर x sin x सवर्त अंतराल, कौन सा अंतराल सवर्त अंतराल, सतता किसमें से करते हैं सवर्त अंतराल में, सवर्त अंतराल 0.पाई, सवर्त अंतराल 0.पाई में क्या है संतत है, सवर्त अंतराल 0.पाई में संतत है। सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है अपने को अवकल्य है या नहीं। तो अवकल्य चेक करने के लिए क्या करते हैं अपना जो फलन देता है एक्स बराबर ए की पावर एक्स साइन एक्स उसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी एफ डेस एक्स निकालते हैं। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x into sin x u into v की फॉर्म में, a को कांस्टेंट a का अवकलन प्लस a को कांस्टेंट a का अवकलन। तो e की पावर x को कांस्टेंट लेकर sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का होता है cos x प्लस sin x को कांस्टेंट लेकर e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन हो गया e की पावर x और sin x कांस्टेंट रह गया। क्या देखना है कि इसमें ये अवकलन है या नहीं। अवकल्य देखने के लिए क्या करते हैं आप विवर्त अंतराल में देखते हैं। तो विवर्त अंतराल क्या है हो जाएगा जीरो से पाई, विवर्त अंतराल जीरो से पाई में e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x की वैल्यू परिमित भी होती है और विद्यमान भी होती है। तो क्या लिखेंगे लिखेंगे विवर्त अंतराल x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई में एफ डेस x प्रीमित तथा विद्यमान है, प्रीमित भी है और विद्यमान भी है। तो क्या बोलेंगे प्रीमित और विद्यमान है इसका मतलब एफ एक्स जो फलन देर का है वो अवकलनीय है। अतः है लिखेंगे अतः है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई अंतराल कौन सा लेना है विवर्त अंतराल जीरो टू पाई में क्या है अवकलनीय है, विवर्त अंतराल जीरो टू पाई में अवकलनीय है। दो कंडीशन है पहले चेक आउट कर ली, कौन सी कंडीशन चेक आउट करनी है एफ ए बराबर एफ बी वाला। तो यानी थर्ड कंडीशन में अपन देखेंगे फंक्शन देर का है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो एफ ऑफ किस पर चेक करेंगे पहले जीरो पर, एफ ऑफ जीरो बराबर ई की पावर जहां पर एक्स है वहां पर अपने को जीरो पुट करना है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर जीरो इंटू साइन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा किसी कोई भी वे सोचा है उसकी पावर जीरो लगाते ही वैल्यू क्या बन जाती है वन बन जाती है। तो ई की पावर जीरो की वैल्यू तो हो गई वन और साइन जीरो होता है जीरो तो वन इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। सेकेंड चेक आउट करते हैं एफ इक्वल एक्स इक्वल टू पाई पर, तो एफ ओ पाई इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर पाई इंटू साइन पाई। तो एफ ओ पाई इक्वल टू ई की पावर पाई इंटू साइन पाई साइन एक्स ओ सी, साइन एक्स ओ सी की वैल्यू जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो। तो एफ ओ जीरो इक्वल किसके आ रहा है एफ ओ भी पाई के, यानी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई यानी तीनों प्रतिबंध क्या कर दिए संतुष्ट कर दिए। तो तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होने पर अपन क्या निकालेंगे एफ डेस सी से सी की वैल्यू निकालेंगे। तो तब लिखेंगे एफ डेस सी इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए जीरो आ जाना चाहिए और सी कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए जीरो टू पाई में सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवेल में। और एफ डेस एक्स अपने पास सारा है e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x ये आ रहा है। इसमें x की जगह पुट करेंगे अपन c, तो f डैश c इक्वल टू
ई की पावर सी इंटू कोसाइन सी प्लस ई की पावर सी इंटू साइन सी इक्वल क्या आ जाना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और इक्वल जीरो करके अपन सी की वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर सी क्या आ रहा है इसमें कॉमन, तो बचेगा कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जीरो, यही बचेगा। और ई की पावर सी कहाँ चला जाएगा, ई की पावर सी चला जाएगा जीरो में, तो कोस सी प्लस क्या हो जाएगा साइन सी इक्वल टू जीरो। ई की पावर सी जीरो में चला गया तो कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जीरो, यही होगा। और कोस सी प्लस साइन सी का मान जीरो आना चाहिए और कौन से अंतराल में आना चाहिए, जीरो से पाई बाई जीरो से पाई के विवर्त अंतराल में आना चाहिए, यानी जीरो से पाई के बीच में कोई एंगल ऐसा होगा जिस पर कोस सी प्लस साइन सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो से पाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के यानी फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में कोई एक एंगल ऐसा होगा जिसमें अपन कोस और साइन लगाएंगे तो दोनों का एड जीरो आ जाएगा। और अपन अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में साइन भी पॉजिटिव वैल्यू देता है और कोस भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश पाई बाई टू तक तो ऐसा कोई मान वैध नहीं हो सकता, कोई मान विद्यमान नहीं हो सकता जिस पर साइन और कोस लगाकर जीरो आ जाए, क्योंकि दो प्लस की टर्म जुड़ेंगे तो क्या जीरो हो सकता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपन ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सेकेंड चतुर्थांश में जो होता है साइन तो क्या होता है पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, तो सेकेंड चतुर्थांश में कोई ऐसा एंगल हो सकता है जिस पर अपन कोस और साइन पुट करने पर क्या आ जाए, दोनों का योग जीरो आ जाए। तो सेकेंड चतुर्थांश में ऐसा एंगल कौन सा होगा, सेकेंड चतुर्थांश में ऐसा एंगल हो जाएगा सी थ्री पाई बाई फोर, कैसे थ्री पाई बाई फोर पर कोस तो क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू और साइन क्या आ जाएगा प्लस वन अपॉन रूट टू और दोनों का एड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। थ्री पाई बाई फोर पर थ्री पाई बाई फोर का मतलब क्या हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, यही होता है। और पाई बाई फोर का मान क्या होता है दोनों का ही रूट वन वन अपॉन रूट टू, और पाई बाई टू में एड हो रहा है मतलब सेकंड चतुर्थांश में जा रहा है और सेकंड चतुर्थांश में जाएगा तो कोस का तो नेगेटिव हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों एड होकर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो ये कब पॉसिबल होगा जब सी इक्वल टू क्या हो थ्री पाई बाई फोर, तो सी इक्वल टू क्या आ जाए थ्री पाई बाई फोर आ जाए, तब क्या होगा कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जीरो आएगा। और कोस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब जो सी है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है अपना जीरो से पाई में ओपन इंटरवेल में, तो अपन लिख देंगे कि सी इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर जीरो से पाई में बिलोंग कर रहा है। और अपना जो फलन दे रखा है एफ इक्वल टू इक्की पावर एक्स साइन एक्स वो क्लोज इंटरवेल जीरो को माँ पाई में रोले पर मेरे को सत्यापित करता है, तो लिखेंगे आता है फलन एफ इक्वल टू e की पावर x साइन x x बिलोंग्स टू जीरो कोमा पाई में क्या है रोले प्रमेय को सत्यापित करता है, रोले प्रमेय को सत्यापित करता है, ये अपने ट्रू कर दिया, जो सत्यापित अपने को करना था वो अपने सत्यापित। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट क्या देता है, देता है निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए, यानी रोले प्रमेय के लिए जो तीन प्रतिबंध थे उनको चेक आउट करके बताना है कि ये फलन उनको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन अपने को क्या देता है, देता है दिया गया फलन, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू है थ्री प्लस एक्स माइनस टू की होल पावर टू बाई थ्री, चेक करना है कि ये तीनों प्रतिबंधों को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। पहला प्रतिबंध क्या था अपना कि समर्थ अंतराल, समर्थ अंतराल क्या दे रखा है, समर्थ अंतराल दे रखा है वन कोमा थ्री, समर्थ अंतराल वन कोमा थ्री में फलन सतत होगा या नहीं होगा। तो अपना फलन कैसा है, बहुपदी फलन है और अपन जानते हैं बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, तो निकालते हैं बहुपदी फलन के, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस एक्स माइनस टू की होल पावर टू बाई थ्री, क्या समर्थ अंतराल,
सवर्द अंतराल अक्स बिलोंग्स टू 1.3 में क्या है, संतत है। 1.3 में संतत तो है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना। सेकंड क्या चेक आउट करना है, सेकंड अपने को चेक करना है कि यह अवकलनीय भी है या नहीं है। तो अवकलनीय चेक करने के लिए जो फलन देर का है उसका क्या करते हैं, सबसे पहले अवकलन करते हैं। तो फलन क्या देर का है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की होल पावर 2/3। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 और एक्स की पावर माइनस 2 की एक्स माइनस 2 की होल पावर 2/3 किससे हो जाएगा, एक्स की पावर एन से। तो एन है इसमें 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1 और एक्स का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2 का 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर क्या बचेगा 2/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/3 और माइनस 1/3 हर में आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो आया है वो अपने विवर्त अंतराल क्या देर का है, 1.3। विवर्त अंतराल 1.3 में क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए और विद्यमान होना चाहिए। 1.3 में भी बिंदु क्या आ जाएगा, 2 भी आएगा और 2 अपन पुट करेंगे अपने एफ डैश एक्स में तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 1/3 यानी 2/0 क्या आएगा, 2/0 जो क्या नहीं है, परिमित नहीं है। तो परिमित नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि अपना जो फलन देर का है वो अवकलनीय नहीं होगा। कौन से बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, 2 पर अवकलनीय नहीं है। चाहे कोई भी बिंदु हो विवर्त अंतराल में, एक भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है तो अपन यही बोलेंगे कि फलन अवकलनीय नहीं है। तो विवर्त अंतराल 1.3 में फलन अवकलनीय नहीं है और फलन अवकलनीय नहीं है तो फलन रोले प्रमेय की शर्तों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपन कहेंगे कि रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ डैश 2 क्या आ रहा है, परिमित आ रहा है यानी एफ डैश एक्स एक्स बिलोंग एक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या है, अपरिमित है। 2 के लिए क्या है, अपरिमित है। तो अपरिमित है तो क्या बोलेंगे, फलन अवकलनीय नहीं है यानी फलन एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की होल पावर 2/3 विवर्त अंतराल एक्स बिलोंग टू 1.3 अवकलनीय नहीं है यानी फलन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ गया, फलन संतत आ गया लेकिन अवकलनीय नहीं आया। तो तीसरी कंडीशन अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर अपन बता देंगे कि जो फलन देर का है वो समर्थ अंतराल 1.3 में रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं करता या रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू समर्थ अंतराल 1.3 में रोले प्रमेय लागू होती है या नहीं होती है, रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये पता चली कि आप संतत है लेकिन कैसा नहीं आया फलन, अवकलनीय नहीं आया। और रोले प्रमेय बताया था कि अगर एक भी प्रतिबंध को एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो अपन कहेंगे कि रोले प्रमेय सत्यापित वो लागू नहीं होती है या सत्यापित नहीं करता है। तो अवकल संतत आ गया अपना फलन लेकिन कैसा नहीं आया, अवकलनीय नहीं है तो अपन कहेंगे कि रोले प्रमेय लागू नहीं करता। संतत भी आ जाता, अवकलनीय भी आ जाता और क्या नहीं आता, एफ ए बराबर एफ भी नहीं आता, तब भी अपन क्या कहते कि अपनी जो प्रमेय है वो लागू नहीं होगी। और अगर आप पहला पॉइंट ही संतत ही नहीं आता तो अपने को अवकलनीय और गैरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x और x कहां से कहां है, माइनस 1 से 1 में बिलोंग कर रखा है। तो लिखेंगे दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x और x कहां से कहां है, x माइनस 1 से 1 विवर्त अंतराल में है। तो क्या चेक करेंगे रोले प्रमेय के लिए, वो संतत अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी तीनों प्रतिबंध चेक आउट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा प्रतिबंध चेक करते हैं, संतत वाला प्रतिबंध चेक करते हैं। तो संतत वाला प्रतिबंध चेक करेंगे, फलन क्या देर का है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x ये देर का है और समवर्त अंतराल क्या है, एक्स बिलोंग टू समवर्त अंतराल माइनस 1 से
वन के बीच में है, यानी अपने समर्थ अंतराल में कहीं ना कहीं क्या है, जीरो भी विद्यमान है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो भी पुट होगा। तो साइन वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन जीरो, और साइन वन अपॉन जीरो का मतलब साइन इन्फिनिटिव। तो अपन साइन इन्फिनिटिव पर यह डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका मान वन आएगा, माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, या वन बाई टू आएगा, माइनस वन बाई टू आएगा, यानी अपन कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू साइन इन्फिनिटिव पर क्या आएगी। तो साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू, वैसे तो अंतराल तो माइनस वन से वन के बीच में ही कोई वैल्यू आएगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन यह नहीं कन्फर्म है कि वैल्यू आएगी कौन सी, तो अपन क्या नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि फलन संतत है। देख लिया कि साइन इन्फिनिटी पर चलते चलते कहाँ आ रहा था, वन पर आ रहा था, कहाँ आ रही थी वैल्यू, वन पर आ रही थी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो फलन यहाँ से टूट कर कहाँ आ गया, डायरेक्ट जीरो पर आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, ये फलन कैसा नहीं हुआ, संतत नहीं हुआ, कि बीच में फलन टूट गया है। संतत होने का मतलब लगातार चलते रहना, और ज्यादा लगातार न चले, बीच में टूट जाए, तो क्या बोल देंगे, फलन संतत नहीं है। तो साइन इन्फिनिटिव यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर साइन इन्फिनिटिव आ रहा है, और साइन इन्फिनिटिव पर अपन कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वैल्यू क्या फाउंड होगी अपने को। तो अपन बोलेंगे कि एक्स बराबर जीरो पर जो फलन देर का है वो कैसा है, संतत नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, समर्थ अंतराल माइनस वन से वन पर भी संतत नहीं होगा। अतः अक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, अपने को तो समर्थ अंतराल में बताना था, अक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन में फलन संतत नहीं होगा, माइनस वन से वन में फलन संतत नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, फलन संतत नहीं है। तो फलन संतत नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि फलन भोले पर मेरे को सत्यापित नहीं करेगा, आगे कल लिए और वो जो प्रतिबंध बच गए उसको चेकआउट करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से क्या लिख देंगे, फलन एफएक्स फलते हैं फलन एफएक्स के लिए कौन सा अंतराल, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कोमा वन, समर्थ अंतराल में लिखेंगे माइनस वन कोमा वन पर रोले पर में लागू नहीं होगी, पर रोले पर में लागू नहीं होगी। तो जो दोनों फलन दे रखे थे दोनों में रोले पर में लागू नहीं हुई, फर्स्ट वाले में तो क्या संतत हो गया, अवकल्य नहीं हुआ, और सेकंड में संतत ही नहीं हुआ। तो आगे चेकअप करने को अपने को जरूरत ही नहीं है कि अवकल्य होगा या। आज के लेक्चर में इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पर आधारित एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।